प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। फिल्मों से दूर रही धर्मेंद्र की तीन बेटियां, तीसरी पीढ़ी डेब्यू तो तैयार, ऐसी है फैमिली। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र 82 साल के हो चुके हैं। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्म धर्मेंद्र बॉलीवुड में ही मैन के नाम से मशहूर हैं। धर्मेंद्र जैसे अपनी फिल्मों में मस्त मौला नजर आते हैं, असल जिंदगी में भी वो वैसे ही हैं। धर्मेंद्र की फैमिली में 2 पत्नियां, 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। धर्मेंद्र की फैमिली के ज्यादातर मेंबर्स तो फिल्म इंडस्ट्री से सीधे जुड़े रहे, लेकिन उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और 3 बेटियां विजेता, अजेता, अहाना कभी फिल्मों में नहीं आईं। सनी देओल के बेटे करण देओल अब फिल्म पल पल दिल के पास से डेब्यू करने जा रहे हैं। करण धर्मेंद्र के पोते हैं। इस फिल्म से करण के डेब्यू के साथ ही देओल फैमिली की तीसरी जनरेशन बॉलीवुड में नजर आएगी। धर्मेंद्र के 4 पोते करण, राजवीर, आर्यमन और धर्म देओल हैं। धर्मेंद्र बॉलीवुड के शायद ऐसे पहले स्टार हैं जिनकी 2 अलग-अलग फैमिली है। दिलचस्प बात यह है कि वे दोनों के ही करीब हैं। हालांकि आज भी जब धर्मेंद्र की वाइफ का नाम आता है तो हेमा मालिनी ही याद आती हैं। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र के 4 बच्चे हुए जिनके नाम सनी, बॉबी, विजेता और लली, अजीता हैं। जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हुई उस समय हेमा मालिनी हिंदी फिल्मों की नंबर 1 हीरोइन थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी से पहले 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में साथ काम किया। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन वे ड्रीम गर्ल के लिए सारे बंधन तोड़कर आगे आ गए। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर हेमा से शादी की। वैसे तब तक धर्मेंद्र की बेटी भी शादी के लायक हो चुकी थी और बड़े बेटे सनी देओल फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे थे। बावजूद इसके उन्होंने 2 मई 1980 को हेमा से शादी की। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं जिनके नाम ईशा और अहाना हैं।